नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कलाम स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में। और आज है 17 अक्टूबर 2019, तो आज हम चर्चा करेंगे 17 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के बारे में। इससे पहले दोस्तों एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कल वाली वीडियो में हमने आपसे पूछा था उसका आंसर क्या होगा। तो वह क्वेश्चन क्या था देखते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन था, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अर्थशास्त्र 2019 में नोबेल पुरस्कार देने का फैसला किया गया है। तो भारतीय मूल के दोस्तों अभिजीत बैनर्जी हैं, जिन्हें अर्थशास्त्र 2019 का नोबेल पुरस्कार देने का फैसला किया गया है। उनके साथ में उनकी पत्नी एस्थर डुफ्लो को भी नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, और तीन व्यक्तियों को दिया जा रहा है इस बार। और तीसरे व्यक्ति जो हैं उनका नाम है माइकल क्रेमर। तो इन तीनों व्यक्तियों को इस बार अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों और भी बहुत से नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की गई है। यदि आपने हमारा नोबेल पुरस्कार वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो आप जरूर देखें, उसका लिंक दोस्तों आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, सभी दोस्तों के साथ अधिक से शेयर जरूर कर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल कलाम स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो उसके पास जो बेल आइकॉन घंटे का निशान है, उस घंटे के निशान को भी आप जरूर दबा दें, जिससे हमारे आगे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आप तक पहुँच सके। अब शुरू करते हैं दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है दोस्तों, विश्व मानक दिवस कब मनाया गया है। तो हाल ही में विश्व मानक दिवस मनाया गया है। तो यह विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को मनाया गया है। तो 14 अक्टूबर दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया, और यह हर वर्ष 14 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। तो इसके बारे में जानते हैं। तो वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे या वर्ल्ड विश्व मानक दिवस का ये पोस्टर आप देख पा रहे हैं। अब इसके बारे में जानते हैं कि यह क्या है, तो इस वर्ष की इसकी थीम क्या थी। तो विश्व मानक दिवस दोस्तों, यह इसे हम अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस भी कहते हैं। तो प्रत्येक वर्ष यह 14 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन का मनाने का उद्देश्य है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए मानकीकरण के महत्व के रूप में नियामकों और उद्योगों और उपभोक्ताओं के बीच में जागरूकता बढ़ाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और इस बार 14 अक्टूबर 2019 का जो थीम थी वह क्या थी, तो वह थी दोस्तों, वीडियो स्टैंडर्ड्स क्रिएट ग्लोबल स्टेज। तो ये इस वर्ष की थीम थी। तो जो भी दिवस आता है उसकी थीम आपको मैं हर बार बताता हूँ, वो थीम आप नोट कर लिया करें। थीम से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में जरूरी पूछा जाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वह क्या दोस्तों, क्वेश्चन है, हर साल विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। तो हर साल वर्ल्ड फूड डे या विश्व खाद्य दिवस दोस्तों 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, और इस बार भी ऐसा ही हुआ, 16 अक्टूबर को मनाया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, 16 अक्टूबर। तो वर्ल्ड फूड डे का आपको पोस्टर दिखाई दे रहा है। अब इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। तो वर्ल्ड फूड डे जो मनाया जाता है वह दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है। और इस विश्व फूड डे इसका जो मुख्य संगठन है उसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो खाद्य और कृषि संगठन का जो मुख्यालय स्थित है वह दोस्तों रोम इटली में स्थित है। और खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना जो हुई थी वह 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। तो ये इसका खाद्य और कृषि संगठन का स्थापना का डेट हो गया दोस्तों। आप इसके बारे में जानते हैं, तो 1994 संयुक्त राष्ट्र ने खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना दिवस के सम्मान में 16 अक्टूबर को दुनिया भर में हर साल विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। और इस साल का जो विषय था, यानी 16 अक्टूबर 2019 का जो विषय था वह क्या था दोस्तों, अवर एक्शंस आर अवर फ्यूचर, ये इस वर्ष का विषय था दोस्तों। इस दिन भूख से पीड़ित लोगों के लिए वैश्विक स्तर पर जागरूकता फैला जाती है, और सभी के लिए खाद्य सुरक्षा और पौष्टिक आहार की आवश्यकता सुनिश्चित की जाती है। इस दिन का मुख्य केंद्र यह है कि भोजन एक मूलभूत और मौलिक मानव अधिकार है। दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपने अभी तक डाउनलोड नहीं की है तो इस वीडियो की पीडीएफ फाइल भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक दोस्तों आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां पर जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ जाइए, जहां पर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइलें मिल जाएगी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वह है, इंस्टाग्राम आप सब चलाते होंगे, तो इंस्टाग्राम पर सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले विश्व नेता कौन है। तो इंस्टाग्राम तक सबसे ज्यादा जो फॉलोवर हैं वह हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के हैं। तो नरेंद्र मोदी इंस्टाग्राम पर फॉलो किए जाने वाले विश्व के सबसे पॉपुलर नेता हैं। तो इनके बारे में जानते हैं दोस्तों। तो हाल ही में दोस्तों एक सर्वे हुआ था, उसमें देखा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोटो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले विश्व नेता बन गए हैं। वह दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो और पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा से
आगे हैं। दोस्तों इन्होंने 3 करोड़ फॉलोवर्स के माइलस्टोन को छुआ है, जबकि इंस्टाग्राम पर डोनाल्ड ट्रंप को फॉलो करने वाले लोगों की संख्या है ये 1.49 करोड़ है, और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फॉलोअर हैं वह 3 करोड़ हैं, यानी इनसे दुगुने फॉलोवर्स हैं। वही दोस्तों बराक ओबामा को फॉलो करने वाले की संख्या 2.48 करोड़ हैं, ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अधिक हैं, और जोको विडोडो को फॉलो करने वालों की संख्या 2.56 करोड़ हैं। तो पहले नंबर पर कौन आ गए? नरेंद्र मोदी, दूसरे पर जोको विडोडो, फिर बराक ओबामा, और उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो क्वेश्चन है, पहला राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान लेखक सम्मेलन 2019 कहाँ पर शुरू हुआ है? दोस्तों हाल ही में पहला राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान लेखक सम्मेलन शुरू हुआ है, और ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ है, तो लखनऊ इसका राइट आंसर हो गया। तो फोटो में दोस्तों उसका पोस्टर देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान लखनऊ के द्वारा इसका आयोजन किया गया है, राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान लेखक सम्मेलन एवं परिसंवाद 2019। दोस्तों ये कब हुआ? ये 11 से 12 अक्टूबर 2019 को संपन्न हो गया है। इसके बारे में जानते हैं दोस्तों, तो विज्ञान लेखन में हिंदी और अन्य वर्णाकूदर भाषाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ उत्तर प्रदेश में पहला राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान लेखक सम्मेलन 2019 शुरू हुआ है, और इस सम्मेलन का आयोजन दोस्तों डॉक्टर शकुंतला मिश्रा जो राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में किया गया है, जिसका उद्घाटन राज्य विधानसभा के वक्ता हृदय नारायण दीक्षित ने किया, और इस कार्यक्रम के लिए एक वेबसाइट www.vigyanlekhan.com तैयार की गई है, इस पर जाकर आप इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है वह देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? कि कौन सी IIT ऊर्जा और जैव ईंधन के अनुसंधान पर एक्सो नोबोबिल के साथ मिलकर कार्य करेगी? तो दोस्तों कौन सी IIT करेगी? तो IIT मद्रास है, यह ऊर्जा और जैव ईंधन के अनुसंधान पर एक्सोन मोबिल के साथ मिलकर कार्य करेगी। तो इनके बारे में देख लेते हैं, तो ये IIT मद्रास में इस सम्मेलन की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, अब इसके बारे में जानते हैं। तो IIT मद्रास ऊर्जा और जैव ईंधन के अनुसंधान पर एक्सोन मोबिल के साथ मिलकर कार्य करेगा। दोस्तों इस 5 साल के संयुक्त शोध समझौते में जैव ईंधन, डेटा एनालिटिक्स, गैस रूपांतरण और परिवहन पर ध्यान केंद्रित किया गया है, और इसका जो प्रमुख उद्देश्य है यह उद्देश्य दोस्तों कम उत्सर्जन वाले समाधान की खोज करना है। वहीं एक्सोन मोबिल रिसर्च एंड इंजीनियरिंग कंपनी ऊर्जा और जैव ईंधन पर शोध के लिए एक्सोन मोबिल कॉरपोरेशन एक प्रमुख वैश्विक तेल प्राकृतिक गैस और पेट्रोकेमिकल्स कंपनी के अनुसंधान और इंजीनियरिंग शाखा है। दोस्तों एक्सोन मोबिल कंपनी दुनिया भर के 80 से अधिक विश्वविद्यालयों के साथ काम करती है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है दोस्तों, इंडो डच परियोजनाओं का दूसरा चरण जिसे लॉर्ड्स HR कहा जाता है ये कहां पर शुरू हुआ है? तो इंडो डच परियोजनाओं का दूसरा चरण है ये नई दिल्ली में शुरू हुआ है, तो इसका राइट आंसर नई दिल्ली हो गया। तो इंडो डच परियोजना क्या है उसके बारे में जानते हैं। इसमें आपको फोटो आप देख पा रहे हैं, आप जानते हैं इस योजना के बारे में। तो दोस्तों नई दिल्ली के बारापुला नाले पर इंडो डच परियोजना का दूसरा चरण स्वस्थ पुनः उपयोग के लिए शहरी सीवेज धाराओं का स्थानीय उपचार या इसे हम लॉर्ड्स HR कहते हैं ये शुरू हो गया है। यह परियोजना विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन और नीदरलैंड के राजा विलियम और अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा के द्वारा शुरू की गई थी। दोस्तों यह परियोजना 2017 में सनडायल पार्क में भारत और नीदरलैंड की सरकारों के सहयोग से स्थापित की गई थी। अभी इसका दूसरा चरण जो है वह शुरू हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, वन नेशन वन टैग फास्ट टैग पर एक सम्मेलन के उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? इस पर दोस्तों एक सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन हमारे जो परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी हैं उनके द्वारा किया गया, तो नितिन गडकरी इसका राइट आंसर हो गया। अब इस सम्मेलन में आप फोटो देख पा रहे हैं उद्घाटन करते हुए, नितिन गडकरी आपको जिसमें दिखाई दे रहे हैं। अब इस सम्मेलन के बारे में जानते हैं कि सम्मेलन में क्या हुआ। तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने देश भर में एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए नई दिल्ली में वन नेशन वन टैग फास्ट टैग पर एक सम्मेलन का उद्घाटन किया है। दोस्तों इस प्रणाली के तहत किसी वाहन के विंड स्क्रीन पर चिपकाए गए उसी फास्ट टैग का उपयोग देश के सभी टोल प्लाजा पर टोल का भुगतान करने के लिए किया जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वह क्या है? क्वेश्चन है दोस्तों, बहरीन इंटरनेशनल सीरीज बैडमिंटन में
पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो भारतीय है। बहरीन इंटरनेशनल सीरीज में जो बैडमिंटन की सीरीज हुई थी उसमें पुरुष एकल का खिताब जीतने वाली है प्रियांशु राजावत। तो प्रियांशु राजावत इसका राइट आंसर हो गया। ये फोटो में दोस्तों आपको प्रियांशु राजावत दिखाई दे रहे हैं, तो इनके बारे में जानते हैं दोस्तों। तो ये भारतीय सटलर हैं। भारतीय सटलर प्रियांशु राजावत ने बहरीन के आइस टाउन में बहरीन इंटरनेशनल सीरीज बैडमिंटन में पुरुष एकल का खिताब जीता है। दोस्तों 17 वर्षीय राजावत ने कनाडा के शीर्ष वरीयता प्राप्त जेसन एंथनी होसू को 16-21, 21-7 और 21-12 से समिट क्लैश में हराया है। दोस्तों मिश्रित युगल में जूही देवनगन और वेंकट गौरव प्रसाद की शीर्ष वरीयता जोड़ी ने थाईलैंड के पन्नावत थिरापानीतनन और कनायत सुद चोईचोम को 21-18, 21-16 से हराकर स्वर्ण पदक का खिताब हासिल किया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वह क्या दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है बुकर पुरस्कार 2019 के लिए विजेता कौन बने हैं, तो बुकर पुरस्कार 2019 के लिए विजेता बने हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों, यानी मार्गरेट एडवुड और बर्नार्डिन एवरिस्टो है। इन दोनों को बुकर पुरस्कार 2019 से दिया गया है। दोनों की फोटो आप इसमें देख पा रहे हैं। इसके बारे में क्या विशेष है वह हम देख लेते हैं। तो दोस्तों बुकर पुरस्कार 2019 के लिए विजेताओं का चयन करने वाले निर्णायक मंडल ने इस साल नियमों को तोड़ते हुए इस पुरस्कार के लिए मार्गरेट एडवुड और बर्नार्डिन एवरिस्टो को संयुक्त विजेता घोषित किया है। बुकर के नियमों के अनुसार इस पुरस्कार को बांटा नहीं जा सकता है, लेकिन निर्णायक मंडल ने कहा है कि वह एडवुड को द टेस्टामेंट और एवरिस्टो जो 1979 में इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को जीतने वाली पहली श्वेत महिला हैं के गर्ल वुमन अदर में किसी एक को नहीं चुन सकते। इसलिए दोस्तों ब्रिटिश इंडियन नॉवेलिस्ट सलमान रुश्दी की जो ट्रेजी कॉमेडी क्विक चोटे पुरस्कार के लिए छांटी गई 6 पुस्तकों में से एक थी। यह 5वीं बार था कि मुंबई में जन्मे उपन्यासकार को शॉर्ट लिस्ट किया गया है दोस्तों, जिसमें 1981 की जीत भी शामिल थी और जिसमें उन्होंने मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए पुरस्कार जीता था। तो इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यही है कि ये वुमन बुकर पुरस्कार 2019 है, ये किन्हें दिया गया है। तो ये पुरस्कार दोस्तों 2019 का जो पुरस्कार है मार्गरेट एडवुड को और बर्नार्डिन एवरिस्टो को संयुक्त रूप से दिया गया है और ऐसा पहली बार हुआ है। अब अगला जो क्वेश्चन है वह आज का अंतिम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बाद में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है और ये हर वर्ष 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को डॉक्टर कलाम एपीजे अब्दुल कलाम का जन्मदिन भी आता है और इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस भी मनाया जाता है, इस वर्ष भी मनाया गया। तो इसके बारे में जानते हैं, इसकी शुरुआत कब हुई, तो इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमन इसके बारे में जानते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन दोस्तों ग्रामीण परिवारों और समुदायों की स्थिरता सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका और समग्र हित में सुधार लाने में महिलाओं और लड़कियों की महत्वपूर्ण भूमिका के महत्व पर बल देता है। और इस वर्ष का 2019 का जो विषय था वह था रूरल वुमन एंड गर्ल्स बिल्डिंग क्लाइमेट रिसाइलेंस। इस वर्ष के विषय ने प्राकृतिक आपदा का सामना करने के लिए ग्रामीण महिलाओं और लड़कियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का करंट अफेयर्स। अब एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। दोस्तों आपने हमारा कल वाला वीडियो देखा है तो ये क्वेश्चन श्योर आपका सही होगा। यदि आप हमारे रोज लगातार वीडियो देखते हैं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना जरूर बनता है। तो क्वेश्चन क्या है कि हर साल विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व छात्र दिवस जो मनाया जाता है वह कब मनाया जाता है, इसका आंसर आपको देना है। ऑप्शन है 15 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 16 अक्टूबर और 8 अक्टूबर। तो इन चारों में से जो भी राइट आंसर होगा वह आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, सभी दोस्तों के साथ अधिक से शेयर जरूर कर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल कलाम स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए इस प्रकार के लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके पास जो बेल आइकॉन घंटे का साइन है उस घंटे के साइन को भी आप जरूर दबा दें, जिससे हमारे आगे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आप तक पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों।